हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी को दबाएं लेटेस्ट न्यूज सबसे पहले देखने के लिए। बॉलीवुड एक्टर अजय देवगन की पत्नी और एक ट्रेस का जोल को सभी फैंस काफी पसंद करते हैं। उनका चुलबुली स्माइल के सभी दीवाने हैं। फिल्मों में हर तरह के किरदार को निभाकर काजोल ने इंडस्ट्री में एक अलग ही छाप छोड़ी है। उनका का नाम इंडस्ट्री की बेहतरीन एक्ट्रेसेस में शुमार है। उन्होंने बॉलीवुड इंडस्ट्री में एक से बढ़कर एक हिट फिल्में दी हैं। सिर्फ काजोल नहीं बल्कि उनके पूरे परिवार का संबंध बॉलीवुड से है। काजोल की माँ तनुजा अपने जमाने की मशहूर अभिनेत्री थी। इसके अलावा उनकी मौसी नूतन का भी नाम बॉलीवुड की दिग्गज एक्ट्रेसेस में शुमार था। हालांकि वे अब इस दुनिया को अलविदा कह चुकी हैं। बहुत कम लोगों को पता होगा कि एक्टर मोहनीश बहल नूतन के बेटे हैं। काजोल के पति अजय देवगन भी एक मशहूर अभिनेता हैं, साथ ही उनकी कजिन रानी मुखर्जी भी इंडस्ट्री की क्वीन हैं। ये रिश्ते नाते ही बताते हैं कि काजोल का पूरा परिवार ही फिल्मी है। लेकिन आज काजोल को लेकर एक ऐसी चौंकाने वाली बात सामने आई है जिसने इंडस्ट्री के साथ साथ पूरी दुनिया को हैरत में डाल दिया है। यह बात कई सालों से काजोल सबसे छुपाते हुए आ रही थी, लेकिन आज इस बात का खुलासा हो ही गया। दरअसल काजोल का सिलेक्शन स्वच्छ आदत स्वच्छ भारत के एडवोकेसी एम्बेसडर के रूप में हुआ है। इतना नामी गिरामी होने के बावजूद काजोल का परिवार एक सादा जीवन व्यतीत करने में यकीन रखता है। काजोल एक जमीन से जुड़ी हुई अदाकारा हैं। उनके लिए कोई भी काम छोटा बड़ा नहीं है। वह घर के कामों को भी बखूबी करती हैं। वह एक अच्छी माँ होने के साथ साथ एक अच्छी हाउसवाइफ भी हैं। छोटी उम्र से ही काजोल को घर के कामों में हाथ बंटाना अच्छा लगता था। जब वह छोटी थी तो नौकरानी के न आने पर घर की साफ सफाई खुद ही कर दिया करती थी। अपना यही गुण उन्होंने अपने बच्चों में भी डाला है। बता दें कि शाहरुख के साथ काजोल की जोड़ी काफी हिट मानी जाती है। दोनों के बीच एक अच्छी दोस्ती भी देखने को मिलती है। उनकी सुपरहिट फिल्म दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे आज भी सिनेमा घरों में लगी हुई है। काजोल ने बाजीगर, कुछ कुछ होता है, कभी खुशी कभी गम और फना जैसी अनेकों सुपरहिट फिल्में दी। काजोल अपने नाम अब तक 6 फिल्म फेयर अवार्ड कर चुकी हैं।